नमस्कार और आप तक हैं पल पल। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर के अनाज मंडियों में व्यापारी वर्ग खपा है। आज अलग अलग अनाज मंडियों में व्यापार मंडल और आढ़ती एसोसिएशन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मार्फत सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें 3 अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग है। अनाज मंडी का कामकाज ठप कर मंडी के साइड के नीचे एकत्र हुए अनाज मंडी व्यापार मंडल से जुड़ी हुई विभिन्न यूनियनों के साथ साथ किसान यूनियनों ने भी 3 अध्यादेशों को गलत ठहराया। वहीं व्यापारियों और आढ़तियों ने सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे एक्ट लागू कर सरकार व्यापारी वर्ग को खत्म करना चाहती है और किसानों की फसलों को खुलेआम मार्केट में औने पौने दामों पर अपने चहेते कॉर्पोरेट हाउस को बिकवाना चाहती है, ताकि अपने कॉर्पोरेट हाउस को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। निर्णय लिया गया ऐसा है जी, ये जो आज स्ट्राइक हुई है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ 4 स्टेटों में ये स्ट्राइक है। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं उसके खिलाफ ये स्ट्राइक की गई है। और अब हम यहाँ से सीधा डीसी ऑफिस जाएंगे और डीसी ऑफिस में हम प्रधानमंत्री के नाम और सीएम के नाम विज्ञापन देंगे और इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। जब तक ये विधेयक वापस नहीं होते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका ये जो विधेयक का विरोध है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे विरोध होने वाला है? विधायक गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, इससे किसान लोग, व्यापारी लोग, मुनीम लोग और मजदूर लोग सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। गवर्नमेंट का यह प्रावधान है कि मंडी के बाहर कोई पैन कार्ड के ऊपर ले सकता है, जबकि मंडी में उसको मार्केट भरनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट कहती है हम पैसे डायरेक्ट जिम्मेदारों अकाउंट में डालेंगे। इसीलिए जब हमारे पास जिम्मेदार आएगा नहीं तो ये धंधा कैसे चलेगा। ये सभी के बरखिलाफ है, व्यापारियों के बरखिलाफ है, किसानों के बरखिलाफ है, मजदूरों के बरखिलाफ है, मुनीमों के बरखिलाफ है, किसानों के लिए बरखिलाफ है। ये विधायक जो है ये तो एक मौत की घंटी है सभी के लिए और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कब तक रहेगा आपका विरोध? ये जब तक हम ये विधेयक पास वापस नहीं लेते जब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और ये संघर्ष हिंदुस्तान में फैलेगा। क्या नाम है जी आपका? सुभाष कुंजार। देखिए जी, इसका बहुत ही क्लियर मकसद है, हम अपना संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है और इसलिए हरियाणा स्टेट ने भी इसको मान्यता दी है। परंतु हम इसका पूरी तरह आढ़ती होने के नाते विरोध करते हैं, क्योंकि ये तीनों अध्यादेश आढ़तियों और किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। क्योंकि पहले अध्यादेश के अंदर ये कहा गया है कि आप एक पैन कार्ड दिखाकर आप फसल ले सकते हो किसी भी जिम्मेदार से, उसकी फसल की कोई पेमेंट की जिम्मेवारी किसी की नहीं है। हाँ, तहसीलदार, SDM उसको आगे हैंडल करेंगे जब उनके पास समय होगा। तो इसलिए जिम्मेदार के प्रति पूरी असुरक्षा है और शोषण होगा उसका बाहर ही, उसको भाव नहीं पता चलेंगे तो अपने आप ही शोषण होगा। MSP पे सरकार लेगी नहीं तो निजी हाथों में जा रही है सारी सत्ता, तो इसको निजी हाथों में जाने से बचाना चाहिए। दूसरा MSP जो खत्म हो जाएगी, देखिए जी सीधा सा संकेत तो यही है कि MSP खत्म होने की संभावना पूरी है। तो दूसरे अध्यादेश के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि एकदम एक चीजों के भाव पे मोनोपोली ना हो और भाव स्थिर रहे, तो उसको भी सरकार ने अब तोड़ दिया है। अब कोई भी आदमी या कोई भी संस्था कितना भी अन्न स्टोर कर सकती होती है, जैसे प्याज, टमाटर, आलू और जो भी जरूरत की वस्तुएं, डेली रूटीन की वस्तुएं हैं, उन पर सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया है। अनाज हो गया, दालें होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार का इन चीज़ों पर नियंत्रण उठ जाएगा तो ये कुछ पूंजीपतियों की बपौती बनकर रह जाएगा, एकाधिकार का उदय हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये अध्यादेश वापस ले, और तीसरे अध्यादेश में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो उसमें क्या है कि वो अपना बीज, खाद, बीज, पानी देंगे और अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मर से बिजाई कराएंगे, और अगर उनको फसल पसंद आती है तो ठीक है उसी दाम पे, अगर वो फसल के दाम बढ़ जाते तो वो ले जाएंगे, अगर फसल के दाम कम हो जाते, जैसे आपने गन्ने में देखा होगा कितनी मनमर्जी करते हैं और उसकी पेमेंट का भी कोई पता नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि समाज कल्याण के लिए एक सामाजिक होने के नाते लोकतंत्र का आनंद ना हो, और इसको लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और ये अंत तक हम करते रहेंगे। जब आगे हम अगर ये हमारा सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। व्यापारी आए थे मेरे पास और दामे के बारे में जिक्र करे थे, मैंने कहा आप अपना ज्ञापन दे दो, जो भी उचित कार्रवाई होगी मुख्यालय भेज दिया जाएगा, उसको नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उस बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, बस कोई ज्ञापन वगैरह नहीं दिया, ज्ञापन दे दीजिए। मौखिक तौर पर मौखिक मांग आपने क्या आश्वासन दिया सर? मैंने ये कहा मैं बात कर लेता हूँ, अभी जो भी जायज़ बात होगी उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।